गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एच जे ऑटो व्लॉग्स। अभी मैं हूँ हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो हीरो का शोरूम है, दैट इज़ BRS कांगड़ा। वहाँ पर वैसे तो उनके पास आप देखो बहुत सारी बाइक्स लगी हुई है, स्प्लेंडर है, सुपर स्प्लेंडर है, स्कूटी है, लेकिन आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक की विच हैज़ बिन रिसेंटली लॉन्च्ड। ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस, और इसका जो वर्जन है दैट इज़ X-Tech। क्या क्या डिफरेंस है नॉर्मल जो इधर स्प्लेंडर एक खड़ी है उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, आज एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो आपको, ओवरव्यू वीडियो आपको बताएंगे कि क्या क्या ओवरऑल डिफरेंस है, क्या क्या फीचर्स के साथ आती है। तो और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस बाइक पे क्या क्या जो विजिबल चेंजेस है वो क्या क्या किए गए। जैसे आप देख रहे हो स्प्लेंडर प्लस का लोगो है, पहले ये 3D लोगो आता था और यहाँ पे पेंट करके आता था, लेकिन अब हीरो की जो ब्रांडिंग है वो और लोगो के साथ यहाँ पे 3D शेप में आता है, 3D लोगो आ जाता है। और अगर आप सामने देखोगे तो पहले ये वाली कोई लाइट नहीं आती थी, ये एक नई लाइट इंस्टॉल की गई है। इस लाइट का क्या बेनिफिट है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसके जो मेन चीज़ है, इसका मीटर जो कि अब डिजिटल हो गया है। आपने हमेशा देखा होगा कि जो हीरो का स्प्लेंडर सेगमेंट आता है उसमें एनालॉग मीटर आता था, लेकिन अब डिजिटल हो गया है। तो एक बार इस मीटर के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस मीटर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। लेकिन यार मीटर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्प्लेंडर ब्रांड है, ये जो हीरो का स्प्लेंडर्स फैमिली है, ये इंडिया का नंबर वन मोटरसाइकिल कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इसके करीब करीब 4 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स जो एंटायर स्प्लेंडर फैमिली के हैं सोल्ड हो चुके हैं। और ये अब आ चुका है एडवांस्ड X-Tech फीचर्स के साथ। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, चलो एक बार इसके डिजिटल मीटर पे जाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, ये एक डिजिटल मीटर है और ये फर्स्ट इन सेगमेंट है कि किसी एक 100cc बाइक में डिजिटल मीटर, फुल डिजिटल मीटर आया है। अगर मैं फर्स्ट इन सेगमेंट्स के बारे में बात करूं, तो अगर आप देखो तो ये बाइक आप अपने ब्लूटूथ के थ्रू अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो और आपको इस पर अपना कॉल, उसका अलर्ट, मैसेज का अलर्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसका अलर्ट इस डिजिटल मीटर में आपको मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स एक इसका एक और है कि इसी बाइक में आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप जो बाइक चला रहे हैं, जो आपका बाइक चलाने का स्टाइल है, जो गियर शिफ्टिंग का स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग ये बाइक आपको माइलेज कितना प्रोड्यूस करके दे रही है रियल टाइम में आपको पता चलेगा। इसके बाद अगर हम इसके अदर चेंजेस या बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आ गया है इन्हेंस्ड LED विथ हाई इंटेंसिटी पोजिशन लैम्प। अगर आप देखोगे तो आपको पुराने टाइम अगर आपने याद होगा तो एक लैंप यहाँ पे होता था, यहाँ पे कोई भी लैंप नहीं होता था, लेकिन अब जो X-Tech वर्जन है वो एक एडवांस्ड इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप के साथ आ गया है। चलो एक बारी स्टार्ट करके देखते हैं इसको। ये मैंने चाबी स्टार्ट की और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेशंस भी हैं, इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आप बाइक का ओवरऑल व्यू देखो, इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं कि आखिर इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कैसा हो रहा है। इंजन तो सेम है, इंजन ओवरऑल सेम है, तो आवाज़ लगभग सेम ही होगी, फिर भी एक बार मैं आपको इसको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। तो बहुत ही स्मूथ है यार, एक बारी मैं थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, देखो तो ये इसीलिए आखिर यही एक रीज़न है कि क्यों अभी तक जो स्प्लेंडर फैमिली जो टोटल इसकी सेलिंग हुई है दैट इज़ 4 करोड़ से ज़्यादा गाड़ी बिकी है। और सारे फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सा इंडिकेटर यहां पे आपको देखने को मिलता है। ये आप देखो, सबसे पहले जो इंडिकेटर है दैट इज़ फ्यूल का, ये फ्यूल का इंडिकेशन मिल जाता है कि अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो ये इंडिकेटर आ जाएगा। अगर आपकी गाड़ी जो गियर शिफ्टिंग है वो न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल का आ जाएगा। ये गाड़ी क्योंकि i3S टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपको माइलेज बचाने में और फ्यूल कंजप्शन कम होता है, इसके लिए यहाँ पर अगर i3S टेक्नोलॉजी ऑन है तो i3S टेक्नोलॉजी का भी इंडिकेशन आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, एक बहुत ही शानदार फीचर इस बाइक में आया है कि जैसे ही आपने स्टैंड नीचे किया, स्टैंड नीचे हुआ, वैसे ही यहाँ पे साइड स्टैंड का सिंबल आ जाएगा और साइड स्टैंड में गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। पहले जो होता था कि भैया स्टैंड उठा लो, ये वाला कॉन्सेप्ट अब इंडिया से हटने वाला है। इसके साथ साथ इसमें जो इंडिकेटर, अगर आप जलाओगे तो इंडिकेटर का भी इंडिकेशन आएगा और हाई बीम का भी इंडिकेशन आपको इसमें मिल जाता है। फ्यूल इंडिकेशन आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर में मिल जाता है कि आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल कितना डलवा रखा है, आप कितने स्पीड पे चला रहे हो, ये सारी चीज़ें ऑडोमीटर के साथ आपको मिलती है।
ट्रिप पे कितने गए हो मोड से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आपको इस बाइक के बारे में बताऊँ तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको फ़ोन और मैसेज का तो इंडिकेशन मिलेगा ही, साथ ही साथ किसने मैसेज किया है कॉलर आईडी भी डिस्प्ले हो जाएगी, फ़ोन का बैटरी लेवल भी आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं फ़ोन के बारे में बात करूं तो इस बाइक पे आता है यूएसबी चार्जर। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाने से पहले आपका जो फ़ोन है वो चार्ज नहीं है तो आप ऑन द गो चार्ज भी कर सकते हैं और ऑफिस भी पहुंच सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स इसके इस मॉडल में इस वेरियंट में नए नए आए हैं। और ये जो बाइक है आपको चार कलर ऑप्शन में मिल जाता है। हमारे पास जो है दिस इज टोर्नाडो ग्रे, और इसके अलावा ब्लू भी है, और भी सारे कलर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इंडिकेशंस हैं, अगर मैं कम्प्लीटली आपको बताऊं तो डिजिटल स्पीड डिस्प्ले मिल जाएगा, ऑडोमीटर मिल जाएगा, लो फ्यूल इंडिकेशन मिलेगा, सर्विस रिमाइंडर भी आपको मिलता है, साइड स्टैंड का इंडिकेशन भी आपको मिलता है, अगर आप टर्न पर इंडिकेशन लेते हैं तो उसका भी मिलता है, हाई बीम का मिलता है, कोई अगर गाड़ी में खराबी हो जाती है, माल फंक्शन होता है तो उसका भी इंडिकेशन आपको मिलेगा, I3S इंडिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रल का इंडिकेशन, और अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो लो फ्यूल का भी इंडिकेशन आपको मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेफ्टी में इस बाइक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंस्टॉल की गई है कि आपकी बाइक का अगर साइड स्टैंड नीचे है तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और साथ ही साथ इस बाइक में बैंक एंगल सेंसर भी लगा दिया गया है जो कि इंजन को स्विच ऑफ कर देता है अगर बाइक टिप ओवर हो जाती है। तो बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स इस बाइक में लाए गए हैं। अब फटाफट चलते हैं जो इसका न्यूली इंस्टॉल्ड प्रोजेक्टर लैंप है इसको देखते हैं और इसकी कैपेसिटी को देखते हैं कि कितना लाइट ये थ्रो करता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, मतलब जब चाबी लगाते हो, तब आपका एक भी लाइट ऑन नहीं होगा। जैसे ही आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, ये मैंने स्विच दबाया, किल स्विच, और इसके बाद ये देखो यहाँ पे हैलोजन भी है और यहाँ पे एलईडी भी है। एलईडी भी आपका स्टार्ट हो जाएगा और हैलोजन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप हाई बीम लो बीम भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये बाइक एक्स शोरूम में कितने प्राइस पे आ रही है, तो BRS कांगड़ा में हीरो का जो ड्रम वेरिएंट है, एक्सटेक वर्जन है, ये आपको मिल जाएगा 76,946 में। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको विजिट भी कर सकते हैं, और अगर आप कहीं दूर से देख रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके बाइक का एक टेस्ट राइड ले सकते हैं, बाइक को समझ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे तो ये बाइक बहुत प्यारी लगती है क्योंकि मैंने भी जो अपनी बाइकिंग को शुरू किया था स्प्लेंडर से ही किया था, तो अगर आपको समझ में आती है तो यू कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई, आप इसको खरीद सकते हैं। कितना लंबा ये सीट है जिसमें बड़े आराम से दो बंदे इस पर बैठ सकते हैं। और बाकी जो इसके फीचर्स हैं, इसके इंजन हो गई, इसका टायर सेगमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें सेम है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये टायर आपको 80x100 में और 18 इंचेस अलॉय के साथ मिलते हैं। JK का टायर अभी स्टॉक टायर इसमें लगा हुआ है। इसके साथ साथ अगर पीछे का प्रोफाइल में बात करूं तो 80x100 18 सेगमेंट इसमें भी आपको मिल जाता है। ये भी जो टायर है आपको ये मिल जाता है JK का। और बाकी बाइक को आप एक बार ओवरऑल देख लो, ये बाइक आपको कैसी लग रही है। तो गाइज ये तो थी स्प्लेंडर एक्सटेक वर्जन के बारे में कंप्लीट डिटेल रिव्यू वीडियो, जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था। आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ऑटोमोबाइल कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं SJ ऑटो व्लॉग्स, और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं हमें। तो मिलता है गाइज बहुत जल्द नए बाइक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।